सुनिए, अरे ये आप लगातार हमसे मुंह क्यों मोड़े जा रही है? इंद्रेश्वरी जी, हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे मुंह से जवाब तो दीजिए आप, आखिर ये रवैया कब तक रहेगा आपका? सा, हमारे रवैये में कोई भी खामी नहीं है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। जिस छोरी का तुम साथ दे रही हो वो छोरी एक नंबर की। कहना भाभी, कहना भाभी। हाँ, अब क्या सोच रही है? हम सोच रहे थे कि मासा लवली के बारे में कुछ कहते कहते रुक गई, क्या कहना चाह रही थी? हाँ मॉम जी, कुछ कहने की कोशिश तो कर रही थी। वाहेगुरु जी का शुक्र है जब मम्मी जी ने अपने आप को रोक लिया, वरना इस घर में तो तूफान ही आ जाना था। देखो, इस तरह से अटकलें लगाने से अच्छा है कि हम मासा से खुद जाके पूछें कि वो लवली के बारे में बताते बताते रुक क्यों गई। हाँ भाभी, यही ठीक लग रहा है। हाँ भाभी, आप ही जाके पता कीजिए। ठीक है। आप शायद भूल गए होंगे सर, पर हम नहीं भूले कि ये वही झूठी छोरी है जिसने हमारे कार्तिक को थप्पड़ मारा था। और फिर भी ना जाने कैसे उन दोनों में प्यार हो गया। ये कैसा प्यार है सा? मुझे ये डस्टर दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मुझे मम्मी जी, रहने दीजिए ना, हम लोग कर लेंगे। हमने कहा ना कि कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मासा पे दबाव मत डालो, ये किसी की नहीं सुनेंगी, खासकर हम सब की, क्योंकि इनके नियम सिर्फ हमारे लिए, लवली के लिए नहीं। गहना बहू, घुमा फिराकर पूछने से अच्छा है कि हमें साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। आपने अपनी बहुओं को हमेशा बेटियों की तरह माना है, अपने संस्कारों से, अपने नियमों से उनको सींचा है, और हम सब ने स्वीकार भी किया है। फिर आपने ये बात अपने बहुओं और बेटों से क्यों छुपाई कि लवली वही झूठी छोरी है जिसने कार्तिक के गाल पे तमाचा जड़ा था? आपके कहने पे हमने प्रश्न तो कर लिया है मासा, पर आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे। ये ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आपने अपना सर झुकाकर, आपने अपने नियमों को तोड़कर लवली को अपना ली? आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने परिवार को कष्ट देने का सोच भी नहीं सकते, अपने नियम कायदों के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। जो कुछ भी हुआ वो अचानक हो गया। अचानक? आप इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे ले सकती हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप हम सबके लिए आदर्श हैं। माँ जी, मेरे मामले में तो आपने जरा भी समझौता नहीं किया था, जबकि अनजाने में मुझसे हिसाब में सिर्फ 500 रुपए की गलती हुई थी। तो अब बताइए माँ जी कि लवली का सच छुपाने के पीछे आपका क्या सच है? लवली का सच छुपाने के पीछे आपका क्या सच है? सर्वगुण संपन्न लवली को पास क्यों मिल गई?